So, how can you retain or regain the vaginal tightness? So, this is for all the women who feel that their vagina is not tight enough. They feel that the vagina is a little lax, a little loose, and they are not happy during a sexual intercourse. It is especially for those women who have given birth vaginally or had a normal birth. Most of the times, women after they have given birth will have regained the tightness of the vagina within 6 to 8 weeks after the delivery. However, this regain is only about 80% of the original or the pre-delivery state of the vaginal tightness. Now, the question arises, how do we increase or maximize the tightness of the vagina for making it more physiological or normal or going back to the pre-pregnancy state? Or most of the times, sab log aapko kahenge ki iske liye to aapko surgery karne ki zarurat pad sakti hai. To surgery ye ek upay definitely hai, aap surgery karwa sakte ho, par jo thoda bahut tightness mein issue aa raha hai, thoda bahut laxity ho rahi hai, to surgery na kara ke कौन से ऐसे उपाय हैं जो आप घर पे कर सकते हो या विदाउट सर्जरी कर सकते हो, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला ये उपाय है कि आप कीगल्स एक्सरसाइज। आप कीगल्स एक्सरसाइज क्या है? कीगल्स एक्सरसाइज आपके जो नीचे के मसल्स है, पेशाब के साइड के जो मसल्स है, उसको आपको बैठे बैठे, आप कहीं पे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो, बैठे बैठे जैसे आप पेशाब रोक रहे हो उस प्रकार से नीचे के मसल्स को टाइट करना है, 5 सेकेंड वेट करना है और वापस से मसल्स को रिलैक्स हो जाने देना है। ये साइकिल्स आपको 10, 12, 15, 20 बार तक दिन में कभी भी, रात में कभी भी आप इसको रिपीट कर सकते हो। ये कीगल्स एक्सरसाइजेस आपको शुरू कर देनी है। आप जो प्रेग्नेंट नहीं है तब भी आप ये एक्सरसाइजेस का लाभ उठा सकते हैं और आपके पेल्विक मसल्स को टाइट और टोन्ड कर सकते हैं। दूसरा उपाय है पेल्विक फ्लोर मसल की फिजियोथेरेपी। राइट, फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ पे जाके भी आप पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट करना या उनकी जो टेंसनेस है, उसका जो टाइटनेस है, उसको रीगेन करने की एक्सरसाइजेस होती हैं, ये भी आप करा सकते हो। कई कई बार फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट द्वारा, कुछ रेडिएशन द्वारा इस प्रोसेस को मैक्सिमाइज करने में आपकी मदद हो सकती है। दूसरा, डायलेटर्स की जो थेरेपी होती है, ये भी काफी हद तक लैक्स वजाइना को टाइटनेस रीगेन करवाने में उसकी क्षमता अच्छी होती है। इसके अलावा आजकल लेजर की जो ट्रीटमेंट है, इसके द्वारा भी 2, 3, 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 सिटिंग्स में आपकी जो लूज वजाइना है उसकी टाइटनेस को आप बिना सर्जरी के ट्रीट करवा सकते हो। लेजर वजाइनल टाइटनिंग प्रोसीजर्स जो है होती हैं, उसके लिए आपको एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती है, वो 10 या 15 मिनट में हो जाता है। आपके जो ऑफिस के बीच में लंच ब्रेक है तो वो लंच ब्रेक में भी आप ये ट्रीटमेंट करा के आ सकते हो। इसके बाद आपको एडमिट होना है या डाउन टाइम है या ऑफिस से या स्कूल से छुट्टी लेनी है, ऐसी कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। परंतु एक बार आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, आपके पेल्विक फ्लोर मसल की जो ग्रेड है टाइटनेस की या टोन की वो कितनी है। वो नॉर्मली आपके डॉक्टर ऑक्सफोर्ड स्केल करके एक मेजरिंग स्केल आता है, उससे वो अनुमान लगाएंगे और उसके बाद आपके लिए कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शन सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट सूटेड है, वो आपको बताएंगे। उसके बाद आप इन चारों में से कोई भी ट्रीटमेंट को नॉन सर्जिकली वजाइना को टाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आशा करती हूं कि आपको ये चैनल में बताए गए सारे जो ये नुस्खे हैं, सारे जो ऑप्शंस हैं, ये पसंद आते हैं, आप इसको यूज करते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। थैंक यू।